हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिजाइनर स्लीव्स बनाना बताऊंगी। डिजाइनर स्लीव्स बनाने के लिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है जो कि ये ड्यूपिन का है, और इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो वर्क वाला ये पेच वर्क है, ये मेरा आस्तीन का बचा हुआ है जो कि मैं इसमें यहाँ पर बॉर्डर के रूप में यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्लीव्स की कटिंग करना बता रखा है, तो आप वहां जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, ये हम एल्बो लेंथ इसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें मार्किंग करनी है। मार्किंग स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो हमारा ये वर्क है, इसे हमें पहले मेज़र करना है कि ये हमारा वर्क कितना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वर्क के साथ में कंट्रास्ट पट्टी यूज़ करूँगी, तो मुझे यहाँ पर इस वर्क को और इस पट्टी को यूज़ करते हुए तकरीबन 2 इंच का बॉर्डर तैयार करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसे नाप लेंगे। ये यहाँ से मैं यहाँ तक इसे लूँगी तो ये 1.5 इंच हो जाएगा, और इसके बाद में मैं यहाँ पर 0.5 इंच की कंट्रास्ट पट्टी यूज़ करूँगी, तो मुझे ये 2.25 इंच तक ये बॉर्डर यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब देखिए इसे किस तरीके से मार्किंग करनी है। ये मेरा फोल्डिंग का है, तो यहाँ से मैं ये देखिए 2.25 इंच पर इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए मार्किंग करूँगी, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूँगी। इसके बाद में मैं यहाँ पर 0.25 इंच इस तरीके से एक मार्किंग और करूँगी। यहाँ से मैं 0.25 इंच का मार्किंग करूँगी और एक पैनल क्रिएट कर लूँगी। इसके बाद में मैं यहाँ पर टॉप से 3 इंच का मार्किंग करूँगी। यहाँ से नीचे की साइड यहाँ पर 0.25 इंच की एक लाइन और ड्रॉ करूँगी। अब जो हमने ये पैनल क्रिएट किया है, इस पैनल में मैं एक शेप क्रिएट करूँगी। और इसे मैं इसी शेप में कट कर लूँगी। ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसे कट कर लिया है। अब चलिए, अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें अपनी स्लीव्स पर मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, ये जो मैंने मार्किंग की है, ये मेरी रॉन्ग साइड होगी इस तरीके से। अब मैं एक स्लीव्स इसमें से इस तरीके से सेपरेट कर लूँगी, और जो मेरा इसका मेन फैब्रिक है स्लीव्स का, उसे मैं लूँगी। ये देखिए, मेरा ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड पर भी मैं मार्किंग कर लूँगी। इस मैन पीस को मैं अपने इस स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से अरेंज करूँगी। इसे इस तरीके से सेट करते हुए अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद में फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हाफ बूट की स्टिचिंग लगाएंगे। ये स्टिचिंग मैं दोनों स्लीव्स में लगा लूँगी। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इसी शेप में स्टिच कर लिया है। ये मैंने दोनों पीस स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद में मैं इस वाले मेन पीस को अपने इसी लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद में जो इसका ये राउंड सर्कल है, यहाँ पर हमें हल्के हल्के कुटके लगा लेने हैं, और यहाँ पर जो ये कॉर्नर पॉइंट्स है, यहाँ पर भी हमें कुटका लगाना है। इसके बाद में फ्रेंड्स, हमें इसे स्लीव्स को इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद में हमें इसके ऊपर आयरन कर लेनी है, और इसे हमें फेविकोल की सहायता से चिपका लेना है, जो कि मैं ये काम कर लूँगी। इस प्रकार से देखिए, मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम अपना ये वर्क वाला पोर्शन कट करेंगे। इसमें से हमें बॉर्डर निकालनी है, तो मैं यहाँ से देखिए इसको 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से इसे कट कर लूँगी। इस तरीके से मैंने ये दोनों पीस कट कर लिए हैं। अब हमें अपनी स्लीव्स को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सेंटर का मार्किंग करना है।
ठीक यही सेंटर का मार्किंग हमें अपने वर्क को सेट करते हुए कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे सेंटर कर लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसे इस वर्क को इस तरीके से फोल्ड करते हुए और ये देखिए सेंटर का मार्किंग यहाँ पर मैच करते हुए यहाँ पर हम टॉप की स्टिचिंग लगाते हुए इसे सेट कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए मैंने वर्क को इस प्रकार से स्टिच कर लिया है इसके ऊपर। और जो अब ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये देखिए इसका कपड़े का, इसे हम कट करके रिमूव कर लेंगे। अब फ्रेंड्स जो हमारा ये कंट्रास्ट फैब्रिक है इसके अंदर से हमें दो स्ट्रिप निकालनी है, दो पट्टियां निकालनी है जो कि हमारी ढाई ढाई इंच की होंगी। तो मैं इसे यहाँ से देखिए 5 इंच की इस तरीके से फोल्डिंग कर लूँगी और यहाँ से इसे कट कर लूँगी। और एक बार और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए बीच में से कट करते हुए इसे सेपरेट कर लूँगी। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे और इसे हम उल्टे साइड रखेंगे। स्लीव्स को इस प्रकार से रखने के बाद में जो हमने ये पट्टी कट की थी इसे अंदर की तरफ इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम टॉप की स्टिचिंग लगाते हुए इसे स्टिच करेंगे। एक बार स्टिच करने के बाद में अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर टॉप की स्टिचिंग फिर से लगाएंगे। इस प्रकार से देखिए हमने इसके ऊपर ये स्ट्रिप स्टिच कर ली है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसके लिए हमें डिज़ाइन कट करनी है। डिज़ाइन कट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स जो हमारा ये कंट्रास्ट फैब्रिक है इसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है और डबल फोल्ड करने के बाद में ये देखिए मैं इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करूंगी और इसे एक बार इस तरीके से फोल्ड करूंगी। तो तकरीबन ये जो मेरा फोल्डिंग है ये मेरा 6 इंच का फोल्डिंग है। ये देखिए 6 इंच का ये फोल्डिंग आ रहा है और इसे मैं यहाँ से इस तरीके से 3 इंच के ऊपर मार्किंग करूंगी इस तरीके से और इसे इस तरीके से मार्किंग करने के बाद में इसे कट कर लूँगी। अब इसे एक बार और इस तरीके से फोल्ड करूंगी और यहाँ से मैं इसे इस तरीके से कर्व देते हुए इसे इस तरीके से कट करूंगी। और यहाँ से इसे इस तरीके से सेपरेट कर लूंगी। इस तरीके से देखिए मैंने इस पीस को इस तरीके से कट किया है। ठीक इसी प्रकार से मैं इस वाले पोर्शन को भी कट कर लूँगी। अब जो हमने ये पीसेस कट किए हैं इन पीसेस को हमें ये देखिए इस तरीके से लेना है, दो पीसेस को एक साथ लेना है और जो हमने इसे इस शेप में कट किया था इसे हमें इसी शेप में आधे बूट का दबाव देते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स जो हमारा ये राउंड सर्कल है यहाँ पर हमें इस तरीके से हल्के हल्के कुटके लगा लेने हैं। ये कुटके हमें दोनों साइड लगाने हैं। स्टिचिंग हमने सिर्फ इस तरफ और इस तरफ लगानी है, यहाँ से हमें स्टिचिंग नहीं लगानी है और इसको हम इस तरीके से बाहर की तरफ पलट लेंगे। पलटने के बाद में फ्रेंड्स हम इसे आयरन की सहायता से अच्छे से सेट कर लेंगे।
बाकी के जो अदर पीसेज हैं उन्हें भी हमें इसी तरीके से स्टिच करते हुए सेट कर लेना है। इस तरीके से सारे पीसेज को मैंने स्टिच करके आयरन की सहायता से सेट कर लिया है। अब देखिए जो हमने ये पीसेज इस तरीके से तैयार किए हैं उसे हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए हमें ये निडल और थ्रेड की ज़रूरत होगी। ये देखिए मैंने निडल के अंदर 3-4 लेयर्स करके अपने इस थ्रेड को इस तरीके से पिरोया हुआ है और इसी धागे से और निडल की सहायता से मैं इसे यहाँ से इसे स्टिच करूँगी। ये देखिए यहाँ से हमें सेंटर में से इसे लेना है और इसे इस तरीके से स्टिच करना है। इसे हमें बो की शेप में स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से हमें ये सारे पीसेस तैयार कर लेने हैं जो कि हम कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस प्रकार से सारे पीसेज को बो शेप में स्टिच कर लिया है। अब हम इसे मशीन से भी एक बार स्टिच करेंगे। 3 पीसेज को हम एक साथ स्टिच करते हुए एक बंच इसे बना लेंगे। इसे इस तरीके से रखना है, मिड वाले को इसके नीचे की तरफ रखना है और इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर की तरफ इस तरीके से रखना है और बीच का जो ये डिस्टेंस है हमें इक्वल रखते हुए साइड से इसे स्टिच करना है। इस तरीके से देखिए हमने ये बंच तैयार कर लिए हैं। अब इस बंच को हमें अपने स्लीव्स के ऊपर यहाँ पर इस वाले पोर्शन में स्टिच करने हैं। हमें स्लीव्स को इस तरीके से रखना है और जो हमारा ये बंच है इसे हमें इसके नीचे इस तरीके से सेट करना है। इस तरीके से इस बंच को हमें यहाँ पर सेट करते हुए इसे यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचिंग लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी आस्तीन को डिज़ाइन के साथ में इतना बेहतरीन लुक देते हुए स्टिच कर लिया है। इस स्लीव्स को आप सूट में, ब्लाउज में, आप किसी भी प्रकार की ड्रेसेस में इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मेहनत से मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है, यह डिज़ाइन बनाई है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टिचिंग में किसी प्रकार की आपको समस्या आए तो आप हमें कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं और अगर आपका कोई इसके रिगार्डिंग सजेशन है तो वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।